आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोस है रूट 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल बी px equals to ax square plus bx plus c, ये हमने मान लिया कि एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो इन दोनों का सम हमें गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/3। और हम जानते हैं कि ax square plus bx plus c पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस का जो सम होता है वो होता है -b/a और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, जहां पर a b c जो है वो इसके कोफिशिएंट्स हैं। और अब हम इन वैल्यूज की मदद से a b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। -b/a गिवन है √2 और c/a गिवन है 1/3। हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनाते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 3 बनाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली ये वैल्यू होगी 3√2/3 और ये वैल्यू होगी 1/3। अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। इफ ए इक्वल्स टू 3, आप यहां से कंपेयर कीजिए, ए इज इक्वल्स टू 3, यहां पर भी ए इज इक्वल्स टू 3, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -b इज इक्वल्स टू 3√2। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो होगा वो -3√2 होगा और यहां देखिए सी की वैल्यू होगी 1। और अब हम इस ए बी और सी की वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और डिजायर्ड पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। सो जो पी एक्स है वो होगा, ए की वैल्यू है 3 तो होगा 3x², बी की वैल्यू है -3√2 तो ये होगा -3√2x और सी की वैल्यू है +1 तो ये होगा +1। तो ये हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।